हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये पार्ट टू है, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एक छोटा सा जो ट्रांसलेशन का पैसेज देख रहे हैं, इसे मैं पढ़ के सुनाता हूं। यह लिखा है कि मैं अपने गांव में रहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गाँव में मेरा एक छोटा सा घर है, ये पोजेशन के बारे में कह रहे हैं। मेरा घर ईंट का बना हुआ है, तो इसे आप इज के अंदर बना सकते हैं, इज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सड़क के किनारे है, यह सड़क के किनारे है, ये भी आप इज के इस्तेमाल से बना सकते हैं। करीब 10 वर्ष पहले मेरा घर बना था, इसको आप पैसिव में बनाएंगे गाइस, पास्ट का पैसिव करना पड़ेगा। मेरे घर में 7 कमरे हैं, इसमें आप देयर के इस्तेमाल से बना सकते हैं। सभी कमरे बड़े हैं, ये नॉर्मल आर में बन जाएगा, ये आर से आप लगा सकते हैं। मेरे घर के चारों ओर एक खुला मैदान है, इसमें भी आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। घर के सामने एक जमीन का टुकड़ा है, इसमें भी आप देर का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम कुछ सब्जियां उपजाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं अपने घर का इंच इंच पसंद करता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपने देखा कि इस छोटे से पैसेज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं पर देयर, कहीं पर नॉर्मल इज और आर का इस्तेमाल है, कहीं पर पोजेशन का इस्तेमाल है, तो टोटल मिक्स है ये। तो देखते हैं, एक जगह पैसिव भी है, तो इसको गाइस ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं अपने गांव में रहता हूं, तो देखिए यहां पर मैं, ये आपका सब्जेक्ट है, मैं रहता हूं, ये आपका वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आप प्रेपोजिशन लगाएंगे मैं, और फिर है अपने गांव, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अपने गांव। अपने आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर आपको अपने का माई लगाना होगा, क्योंकि मैं के साथ जब भी अपना आता है तो माई होता है। तो शुरू करते हैं, मैं, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब रहता हूं, I live अपने गांव में, तो पहले प्रेपोजिशन लगाइए in, फिर अपने, अपने का आपको लगाना होगा my, my लगाना होगा। अगर तुम अपने गांव में रहते हो तो तुम के साथ your, मैं बार बार कहता हूं, हम अपने गांव में रहते हैं तो हम के साथ अपने की अंग्रेजी our होगी, वे अपने गांव में रहते हैं तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी their होगी, वह अपने गांव में रहता है तो उसका अपने का अंग्रेजी जो है वो his, या लड़की है तो her होगा, ऐसे आपको समझना होगा। हर अपने की अलग एक अंग्रेजी है दोस्तों। तो आई लिव इन माई विलेज, ये आपका पूरा का पूरा हो गया, आई लिव इन माई विलेज, मैं अपने गांव में रहता हूं। अब है, गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, तो मेरा एक छोटा सा घर है, यहां से आप देखिए, अगर बोलू कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बेटा है, ये सब जो सेंटेंसेस हैं ये पोजेशन को दिखाते हैं, तो उसमें आप हैव लगाएंगे कि आई हैव, तो मेरा एक छोटा सा घर है, आई हैव अ स्मॉल हाउस, आई हैव अ स्मॉल हाउस, गांव में, गांव में यानी कि इन द विलेज, इन द विलेज, सेंटेंस हो गया। अब देखिए यह है कि मेरा घर ईंट का बना है, अब घर बना है ईंट का, एक मिनट, एक्चुअली माइक का वायर है, पैरों में आ रहा था, बना हुआ है ईंट का बना हुआ है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आप यहां पर मेड ऑफ नहीं बोलेंगे, बिल्ट ऑफ बोलेंगे, क्योंकि घर जो बना है वो बिल्ड से होता है ना, बिल्ड मतलब बनाना, तो बिल्ट ऑफ आपको बोलना होगा कि मेरा घर ईंट का बना है, मेरा घर, माई हाउस, ये हो गया आपका मेरा घर बना हुआ है। अब इज लगाइए, और यहां पर बिल्ट, बिल्ट का मतलब है बना हुआ, तो माई हाउस इज बिल्ट, बिल्ट ऑफ, और ईट को बोलते ब्रिक, तो आप ऐसे बोलेंगे कि माई हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, यानी कि वो बना हुआ है ईट का। अब देखिए, यह सड़क के किनारे है, यह है। आप इट से भी कह सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं, तो दिस के साथ आपको हाउस लगाना होगा कि दिस हाउस, और सीधा बोलना है यह है, तो आप इट बोले कि यह सड़क के किनारे है, तो पहले यह उठाइए, फिर उठाइए इज, मतलब कि यह है, अब है सड़क के किनारे। इसके लिए एक टोटल एक फ्रेज है कि ऑन द रोड साइड, आप ऐसे लगा सकते, ऑन द रोड साइड, तो इट इज ऑन द रोड साइड,
यानी कि इट इज ऑन द रोड साइड, यह सड़क के किनारे है। अब देखिए, करीब 10 वर्ष पहले मेरा घर बना था। तो करीब 10 वर्ष पहले की अंग्रेजी तो आप बना देंगे, मेरा घर बना था, यह आपका सेंटेंस है, मेरा घर बना था, यानी कि मेरे घर को बनाया गया था, यह पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो हालांकि बिगिनर्स के लिए है, बट अब इसमें एक आध तो भाई अलग से आएगा, तो पैसिव भी आप समझ लीजिए। मेरा घर बना था यानी कि मेरे घर को बनाया गया था, तो कैसे बोलेंगे, मेरे घर को, माई हाउस। अब इसके अंदर आपको कुछ भी किया गया था, मारा गया था, पीटा गया था, उसमें वॉज, वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो घर अकेला है तो इसके साथ वॉज लगेगा, कि माई हाउस वॉज, बनाया गया था, बिल्ड मतलब बनाना है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्ट। तो माई हाउस वॉज बिल्ट, मेरे घर को बनाया गया था, माई हाउस वॉज बिल्ट, ये हो गया, मेरा घर बना था 10 वर्ष पहले, लगभग करीब 10 वर्ष पहले। तो करीब के लिए अबाउट भी बोल सकते हैं, अराउंड भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं अबाउट या अराउंड, अबाउट 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, ये आपका हो गया 10 वर्ष पहले। ठीक है, अब देखिए, मेरे घर में 7 कमरे हैं। अब यहां पर आपको देर का इस्तेमाल लगाना होगा, मेरे घर में 7 कमरे हैं। मैं बोलूं कि इस कमरे में 2 कुर्सियां हैं, ऐसे जगहों पर आप जब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो देर से आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इसे हम इंट्रोडक्टरी देर भी कहते हैं। तो क्या है ये, कि मेरे घर में 7 कमरे हैं, पहले आप देर लगाइए, देर आर, 7 कमरे हैं, 7, देर आर 7 रूम्स, हो गया ये, मेरे घर में, इन माई हाउस। सो देर आर 7 रूम्स इन माई हाउस, यानी कि मेरे घर में 7 कमरे हैं। इस देर से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था इस कमरे में 2 कुर्सियां हैं, देर आर 2 चेयर्स इन दिस रूम, ऐसे आप बनाएंगे गाइस। अब देखिए, सभी कमरे बड़े हैं, सभी कमरे, अब सभी के लिए आप ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑल लगाएंगे तो फिर आप इसके साथ आर लगाना पड़ेगा। तो सभी कमरे, ऑल, और कमरों से पहले द लगाइए, कि ऑल द रूम्स, ऑल द रूम्स, और ये ऑल का एक रूल, मतलब एक नियम भी, अगर आप द आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा भी, कि ऑल के साथ जब आप कोई नाउन लगाएंगे तो उसे द लगाइए, कि ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द रूम्स। तो सभी कमरे बड़े हैं, ऑल द रूम्स आर, बड़े हैं तो बिग, ऐसे। अगर मैं एक ही करके दिखाता कि हर एक कमरा बड़ा है, तो ईच रूम इज करना पड़ता, ईच रूम इज बिग, तो सभी है तो ऑल द रूम्स आर बिग। अब देखिए, मेरे घर के चारों ओर एक खुला मैदान है। अब इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो इसके 2 टुकड़े कीजिए, मेरे घर के चारों ओर, ये अलग है, एक खुला मैदान है, ये जो देख रहे हैं ना, एक खुला मैदान है। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, एक राजा है या एक राजा था, वही देर का इस्तेमाल, कि देर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक लड़की है, देर इज अ गर्ल, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरीके से एक खुला मैदान है, देर लगा दीजिए, तो कैसे होगा, एक खुला मैदान है, देर इज अ खुला मैदान, ओपन फील्ड, देर इज अ ओपन फील्ड, मेरे घर के चारों ओर। ये अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, चारों ओर, ऑल अराउंड आप लगा सकते हैं, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मेरा घर, यानी कि माई हाउस, ये बन गया, 2 टुकड़े में हो गया। देर इज एन ओपन, सॉरी ओपन है ना, तो एन लगाइए, देर इज एन ओपन फील्ड ऑल अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों ओर। ठीक है, अब देखिए, घर के सामने एक जमीन का टुकड़ा है, फिर देर का इस्तेमाल, देर का चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, देर पे मैंने वीडियो बनाया है, देख सकते हैं। एक जमीन का टुकड़ा है, तो वही देर से आप उठाएंगे, देर, तो देर इज अ जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड कह सकते हैं, तो देर इज अ पीस ऑफ लैंड। घर के सामने, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो देर इज अ पीस ऑफ लैंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने
द हाउस, ये द लगाना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं उसको एक स्पेसिफिक बनाते हैं तो द लगाना पड़ता है। अब देखिए, उसमें हम कुछ सब्जियां उपजाते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपका सब्जेक्ट है हम, तो हम यानी कि वी, वर्ब है उपजाते हैं, उपजाते हैं मतलब ग्रो करते हैं, तो वी ग्रो। कुछ सब्जियां, सम वेजिटेबल्स, तो वी ग्रो सम वेजिटेबल्स हो गया, हम कुछ सब्जियां उपजाते हैं उसमें। अब उसमें के लिए क्या करेंगे, या तो में है तो इन लगाइए, उसमें तो इन, आप इट बोल सकते हैं, इट सबके लिए होता है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि एकदम उस जमीन में, तो इन दैट पीस ऑफ लैंड या इन दैट फील्ड भी आप कह सकते हैं, बट इट से आप काम चलाइए कि वी ग्रो सम वेजिटेबल्स इन इट। आपको लग रहा हो कि इट मतलब तो इसमें है, बात उसमें की कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इट लगा सकते हैं, निर्जीव आइटम के लिए इट लगा सकते हैं। अच्छा, अब है मैं अपने घर का इंच इंच पसंद करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं आई पसंद करता हूं, लाइक आई लाइक। देखिए इंच इंच आ जाए ना, इसको एवरी से लगाइए, एवरी इंच, बार बार आपको दो बार इंच इंच नहीं बोलना है, आपको बोलना है एवरी इंच, आई लाइक एवरी इंच अपने घर का, ऑफ माई हाउस, ऑफ माई हाउस, ऑफ माई हाउस का मतलब है अपने घर का, यहां अपने का मैंने माई लगाया है क्योंकि बात मेरी हो रही है। तो क्लियर है, तो ये था आपका टोटल ट्रांसलेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये बिगिनर्स के लिए है, तो धीरे धीरे मैं इसको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा गाइस। तो आप भी घर पे इस तरह के ना जो गुच्छेदार सेंटेंसेस होते हैं ना, बड़े बड़े पैसेज वाले, जो किसी की कहानी लिखी होती है, बट आप कोशिश करें कि अभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो नॉर्मल टेंसेज उस पर रहें, ये मॉडल्स वगैरह पे भी ना जाए। तो ऐसे आप आसान वाले उठाइए, ट्रांसलेट कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।